लाइफलाइन एक्सप्रेस में कई मरीजों का उपचार किया गया। 12 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चली इस लाइफलाइन एक्सप्रेस के तहत लगे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 8,910 मरीजों का पंजीयन हुआ था। इसके समापन के मौके पर जिलाधीश ने प्रतिवेदन पेश करते हुए उपलब्धियों को सामने रखा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने लाइफलाइन एक्सप्रेस की सफल सेवा को लेकर स्टाफ को विशेष रूप से बधाई दी और इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा की भी प्रशंसा की। ये लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो आया है दूसरी बार आया है कोरबा में, और जितना सहयोग हम लोगों ने पिछले बार दिया था उससे ज्यादा की अपेक्षा में कोरबा में लाइफ लाइन एक्सप्रेस आया, और इसको लाने वाले हमारे स्वास्थ्य विभाग, हमारे जिला के प्रशासन, इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत की। और उससे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कोरबा के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, चाहे बालकों हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सीसीएल हो, इन सब ने दिल खोल के मदद किया। मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि अमूमन ये सुनने को नहीं आता है कि इस प्रकार की संस्थाएं जब काम करने को आती हैं तो निर्बाध सहयोग मिलता हो, लेकिन मैं अत्यंत आभारी हूँ कोरबा जिला प्रशासन का, कोरबा के समस्त नागरिकों का, समस्त वो महानुभाव जिन लोगों ने इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को, इस उद्देश्य को पूरा करने में भरपूर सहयोग दिया।